प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, परंतु जब से उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, जब से वो सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, अब उनके किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और अब उन घर में शांति बनी हुई है। प्रेम मेल मिलाप अब उनके घर में है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आपके घर में भी शांति है, लड़ाई झगड़े हैं, प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवनों को, आपके परिवार को असीम शांति से भर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यसाया की किताब, उसका 45 अध्याय और 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमेन। दोस्तों आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन दूंगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको देश का सबसे अमीर आदमी बना देगा या फिर गुप्त खजाने आपको दे देगा, बल्कि मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मतलब तेरी जरूरत के अनुसार जो तुझे धन की आवश्यकता है वो मैं तुझे दूंगा और अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से मैं तुझे दूंगा। दोस्तों यदि आपके जीवनों में घटी कमियां हैं, यदि आप धन की कमी आपके जीवन में है, आपके जीवन में नहीं है, या फिर आप धन को संभाल नहीं पाते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, इस वचन को अपने लिए कोड कीजिए, प्रभु आपके धन संपत्ति पर आशीष देगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं इसराइलियों के जीवन में, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लास्ट दिन तुम ऐसा करना कि सारे मिस्रियों से उनके गहने मांग लेना। और इसराइलियों ने ऐसा ही किया। जब वे लोग मिस्र देश से निकलने वाले थे, तो उन्होंने अपने आस पड़ोस से सबसे गहने मांग लिए और सबने खुशी खुशी अपने सारे गहने उतार कर उन लोगों को दे दिए। इस प्रकार से दूसरे शब्दों में यदि कहें, बाइबल कहती है कि इज़राइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया और जब वो वहां से निकले तो उनके पास बहुत सारा सोना चांदी और अन्य प्रकार की चीजें थी। इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त में छिपे हुए धन को दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं। दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं जब देश में अकाल था और चार कोड़ी देखने के लिए गए मैदान में, युद्ध क्षेत्र में, और जब चार कोड़ी वहां गए तो परमेश्वर ने उनके कदमों की आवाज को ऐसा बढ़ा दिया था कि मानो एक सेना उनसे लड़ने के लिए आ रही हो। तो विरोधी लोगों ने सोचा कि इज़राइल ने अपने आसपास के देशों को अपनी सहायता के लिए बुलवा लिया है और वो बहुत सारी सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी धन संपत्ति, अपना सब कुछ वहां पर छोड़कर वे खाली हाथ भाग गए। जब चार कोड़ी वहां पर गए तो उन्होंने देखा तो यहां तो सोना चांदी, गहने, वस्त्र, खाने पीने की चीजें, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। तो उन्होंने पूरे राज्य को वहां पर बुलाया और सब ने बहुतायत से उस सामान को वहां से लेके गए। तो यहां पर भी हम देखते हैं एक तरीके से परमेश्वर ने उन्हें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में छिपे हुए धन को दिया। दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं जिस विधवा स्त्री के पास एकमात्र एक हांडी पर तेल था और एलिशा ने उससे कहा कि इस तेल को खाली बर्तनों में उड़ेलते रहना, और जब तक वो उड़ेलती रही तब तक तेल आता रहा। उस तेल को बेचकर उसने अपना कर्ज भी भरा, अपना जीवन भर पालन पोषण भी किया। तो यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसा धन दिया जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की थी, जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया था, बल्कि ये एक अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में छुपा हुआ धन था जिसे किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए वो आश्चर्य कर्म किए और वो धन उसने अपने लोगों को दे दिया। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकते हैं और ऐसा करने में परमेश्वर सामर्थी हैं। किसी ने अपनी गवाही बताई कि जब वो मकान को बना रहे थे तो उनके पास पैसे बहुत कम थे, तो जब उन्होंने खुदाई करना शुरू किया तो उनकी जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा पत्थर
पत्थर निकले। yes. इतने पत्थर निकले कि उन्होंने उन पत्थरों को बेचकर अपना घर बना लिया। yes. मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उन्हें गुप्त स्थान में छुपा हुआ धन दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकते हैं। यदि आप घटी कमियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको समृद्ध करेंगे। हर एक प्रकार की आशीषें प्रभु आपके जीवन में देंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कि मैं तुम्हें गुप्त में छिपा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों की जरूरतों को जानता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं जब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी और किसी ने उनकी हेल्प कर ली और उसने उन पैसों को उनसे वापस भी नहीं लिया। ये परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया गया, मतलब गुप्त में छिपा हुआ धन। तो दोस्तों, परमेश्वर आज भी ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में उस जीविते और सामर्थी प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए भी जिन्हें आप जानते हैं कि उन्हें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, हमारे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित और पवित्र 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 सेनाओं के। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा उपाय करने वाला प्रभु है खुदावन। धन्यवाद कि हमारे लिए इंतजाम करने वाला प्रभु है पिता। धन्यवाद कि प्रभु तू पवित्र है, तू अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला, हमें बुलाने वाला परमेश्वर है खुदा। सच में प्रभु तू कितना पवित्र है, कितना अच्छा है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमें देखने वाला प्रभु है और हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू धन्य है और तेरा नाम धन्य है और तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा और महिमामय है पिता। धन्यवाद कि तू महामहिम के दाहिने विराजमान उस पवित्र सिंहासन पर बैठा है खुदा, और तू हमें देखता है पिता। इस बात के लिए धन्यवाद, तू प्रभु शारोन का गुलाब है पिता, तू हमारा हम सफर है, तू धन्य उद्धारक है, सुंदर परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे खुदावन, आज के इस सुबह में परमेश्वर हम धन्यवाद को लेकर तेरे समीप आते पिता। यदि बीते समय हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा करें, हमें पवित्र करें आपके उपस्थिति में आने के लिए खुदावन, क्योंकि प्रभु स्वर्ग तो आपका सिंहासन है मेरे यीशु मसीह, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। लॉर्ड हम आपके समीप आते हैं खुदावन, अपने निवेदनों को, प्रार्थना को, अपने जीवन को लेकर परमेश्वर, अपने खाली मनों को लेकर आज प्रभु हम आपके आनंद से भर जाए खुदा। सच में मेरे खुदावन, हम धन्यवाद के साथ अपने दिल को खोल कर धन्यवाद करते हैं पिता कि ये सुंदर सुबह आपने हमें दी है प्रभु। धन्यवाद, ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जिंदा हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। तो हम सब का आपने उद्धार किया है, हम सबको आपने अनंत जीवन का भागी बनाया है, हम सबको आपने स्वर्ग का वारिस बनाया है यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपने भीड़ में से बुलाया, उस पाप के दलदल की कीच से निकाला प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हम आप हमारे लिए मारे गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठे यीशु, इस पवित्र सुसमाचार के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम आपके सम्मुख आज की सुबह में आते लॉर्ड, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, हमारे आत्मिक भोजन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में आपका वचन अटल है, आपका वचन जिंदा है, और वो वचन हमें उत्साहित करता है प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता कि सच में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम आगे बढ़ते हैं, और हमें आपके वचन को सुनकर हमें ढाढ़स मिलता है प्रभु जी। हम हियाव बांधे होते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद कि सच में प्रभु तू हमें अंधकार में, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा परमेश्वर। सच में तू हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आपने मेरे खुदावन इसराइलियों के लिए किया प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु तूने उस स्त्री के लिए किया प्रभु जी, प्रभु तू आज भी वही परमेश्वर है जो युगानुयुग एक समान है।
सब कुछ का उपाय करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। आज भी परमेश्वर तू हम सबके लिए उपाय करता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में तू हमारे लिए उपाय करता है प्रभु। धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु मसीह। आज की सुबह में मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु मसीह। यदि आज ये घटी कमी में है पिता, यदि आज ये गरीबी में है पिता परमेश्वर, जब आज ये कर्जे में है पिता परमेश्वर, बहुत सारा कर्जा बहुत सारा लोन इन पर चढ़ा हुआ है पिता यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है जब ये आज का वचन प्रभु जीवित है, इस वचन पर हम भरोसा करते खुदा कि आप इन्हें अंधकार में और गुप्त में गड़ा हुआ धन देंगे मेरे परमेश्वर, और इनके कर्जों को आप दूर करेंगे, इनकी घटी कमियों को आप दूर करेंगे, और खुदावन आप इन्हें समृद्ध बनाएंगे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, जो प्रभु भाई बहन कहते प्रभु कि उनकी कमाई पे बरकत नहीं है, वो जो कुछ भी कमाते उनके लिए बचता नहीं, प्रभु आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह के नाम में प्रभु, उनकी कमाई पर उनके जो भी वो कमाते यीशु के नाम से उस पर बरकत हो मेरे खुदावन, उस पर आशीष हो प्रभु जी, ताकि खुदावन यीशु मसीह वो और उनका परिवार उसका आनंद उठाने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो भाई बहन पिता परमेश्वर गरीबी से होकर गुजर रहे हैं मेरे खुदावन, और कुछ भी उनके पास नहीं है पिता, परंतु उनके पास आप हैं मेरे प्रभु जी, जो सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु है, जो उन्हें गुप्त में गढ़ा हुआ धन देगा। हाँ मेरे प्रभु तूने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ यीशु मसीह। आज उन भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप समृद्ध बनाएं, उन्हें बढ़ाते चले जाएं, उनको इंक्रीज करते जाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में परमेश्वर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप अपने बच्चों को भरे मेरे खुदा प्रभु जी, उन्हें गाइड करे आज के दिन में, जो कुछ भी वो काम करे प्रभु, कोई भी गलत वो ना करे पिता, परंतु वो काम करे जो आपको भाता है प्रभु जी। मेरे खुदावन पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करे जीवन के हर एक क्षेत्र में, जब ये बाहर जाते हैं, जब ये घरों में रहते हैं प्रभु, कोई भी काम करते हैं उसमें आप इन्हें गाइड करें प्रभु, इनके घर परिवारों में आप मेल मिलाप प्रेम आनंद शांति को दे मेरे खुदा, और इन्हें समृद्ध करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपका आनंद इनके जीवन में और इनके परिवार में बहने लगे खुदा मेरे प्रभु, इनके जीवन में बरकत आए मेरे परमेश्वर, इनके काम सफल होने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते मेरे खुदा, जहां कहीं भी जाते प्रभु, आपके सुरक्षा दायरे में इन्हें रखते प्रभु, सेफली आप लेकर जाएं और सेफली इन्हें घर को लेकर आए मेरे परमेश्वर। हर एक दुर्घटना खतरे मुसीबतों से जानलेवा बीमारियों से आप बचाएं मेरे परमेश्वर। विशेषकर जबकि कोरोना वायरस प्रभु इस संसार में है पिता, यीशु के नाम से मेरे खुदावन, यीशु के नाम से जिन लोगों के अंदर पाया जाता है यीशु के नाम से, वो नष्ट होने पाए पिता, वो चंगाई पाए पिता, और कोरोना वायरस प्रभु जड़ से खत्म होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, जो बीमार है आज की सुबह में, अस्वस्थ है पिता, और प्रभु जी फिजिकली वीक महसूस कर रहे पिता, यीशु के नाम से हर एक वीकनेस, हर एक बीमारी, हर एक बेचैनी, हर एक दर्द यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाए इसी समय, और यीशु के नाम से मेरे प्रभु वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड फादर आप इन्हें चंगा करें, आप इन्हें चंगा करें प्रभु। धन्यवाद कि आपने कर दिया है, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं, आपने इनके बीच में से रोगों को दूर कर दिया है, आपने इनके इलाज को करके प्रभु इनके घावों को चंगा किया है मेरे खुदा। जिन्हें गुप्त रोग है मेरे पिता, यीशु के नाम से आप उन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु, यदि कोई भी बीमारी उनके शरीर में है खुदावंद, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता, प्रभु आज के पूरे दिन भर में आप इनकी सुधि लें, इनके संग में होएं प्रभु, और खुदावंद ये आनंद से और शांति से भरे रहे मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते जिन्होंने आपके राज्य के लिए अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है, यीशु के नाम से प्रभु वो 100 गुना कटनी को करने पाए, 100 गुना फलवंत होने पाए, और स्वर्ग के झरोखे आप उनके लिए खोल दे मेरे यीशु, और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उनके जीवन में ना हो, परंतु अपरंपार आशीषें उनके जीवन में आए यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।